दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि अभी वर्तमान में ई श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं, तो दोस्तों बहुत से लोगों के मन में एक ये कन्फ्यूज़न है कि ई श्रम कार्ड बनाने की लास्ट डेट क्या है। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं, तो उसके लिए वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आदिल, आप देख रहे टेक्निकल आदिल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि जो असंगठित क्षेत्र में लोग काम करते हैं या फिर फ्रेंड जिनकी शॉप हुए वो शॉप चला रहे हैं या फिर किसी भी तरीके का लेबर वर्क करते हैं या फिर किसी भी तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। आपको ये भी मालूम होगा कि ई श्रम कार्ड बनवाने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। जो ई श्रम कार्ड है ये केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार ने लागू की थी कि ई श्रम कार्ड बनाए जाएं। आपको और ये भी मालूम होगा कि ई श्रम कार्ड के बेनिफिट्स क्या हैं। ई श्रम कार्ड बनवाते जैसे ही आप ई श्रम कार्ड बनवाते हैं वैसे ही आपका 2 लाख रुपए का बीमा चालू हो जाता है और आपको जो भी भविष्य में सेवाएं आती हैं, योजनाएं आती हैं, वो आपके बैंक अकाउंट में आपको मिलती हैं। तो दोस्तों, जो कुछ राज्य सरकारें हैं उन्होंने कुछ योजनाएं निकाली हैं। जैसे फ्रेंड्स, एक अफवाह ये उड़ी हुई है कि ई श्रम कार्ड बनवाने की 31 तारीख तक लास्ट डेट है। तो दोस्तों, ये बात कुछ हद तक सही है, क्योंकि कुछ राज्य सरकारें हैं, जैसे यूपी ले लीजिए, अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो आपको मालूम होगा यूपी सरकार ने घोषणा की है कि जिन लोगों के 31 दिसंबर तक ई श्रम कार्ड बने या बन जाएंगे उन लोग के 500 रुपये 4 महीने तक आएंगे, और जो ई श्रम कार्ड 31 दिसंबर के बाद बनवाएंगे उनके ये लाभ उनको नहीं मिलेगा, उनके 500 रुपये नहीं आएंगे। तो दोस्तों, अब ये सवाल ये उठता है कि 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट नहीं है, आप भविष्य में कभी भी फ्यूचर में कभी भी अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। लेकिन आप यूपी के रहने वाले हैं, अगर आप 31 दिसंबर के बाद अपना ई श्रम कार्ड बनवाते हैं तो आपको बस ये 500 रुपये वाला जो 4 महीने तक मिलेंगे उसका लाभ नहीं मिलेगा, आपका ई श्रम कार्ड बन जाएगा, बस ये लाभ आपको नहीं मिलेगा। और फ्रेंड्स, आज 31 तारीख है, अगर आपको ये खबर अभी पता चली है कि 31 दिसंबर के बाद अगर आप बनवाते हैं तो आपको ये जो यूपी सरकार लाभ दे रही है 500 रुपये का 4 महीने तक, ये आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपको ये अभी पता चली है तो आप अपने दोस्तों तक भी ये पहुंचाइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक आपने अपना ई श्रम कार्ड नहीं बनवाया है और आपको बनाना भी नहीं आता है तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि आप घर बैठे आसानी से अपने स्मार्टफोन की हेल्प से ई श्रम कार्ड को कैसे बनवा सकते, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऊपर आई बटन पर दे दूंगा, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अपना ई श्रम कार्ड खुद से ही घर बैठे बना सकते हैं। तो दोस्तों, बस यही था कि ई श्रम कार्ड बनवाने की कोई भी लास्ट डेट नहीं है, पर जो कुछ राज्य सरकारें हैं उन्होंने ये योजना निकाली है कि 31 दिसंबर तक आप अगर अपना ई श्रम कार्ड बनवा लेते हैं, ई श्रम कार्ड से जुड़ सकते हैं, तो आपके खाते में 500 रुपये आएंगे। अगर आप ई श्रम कार्ड 31 तारीख के बाद बनवाते हैं तो आपको ये लाभ नहीं मिलेगा और आप ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी ये कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी और आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।